हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इफ यू आर न्यू। हाय, मेरा नाम रश्मि अग्रवाल होने वाला है और आज का वीडियो होने वाला है हॉल वीडियो, जो कि सारे लिपस्टिक्स है जिस वीडियो में। मैंने एक्चुअली फेस रिलेटेड वीडियो भी किया है जिसमें मैंने बहुत से कॉम्पैक्ट्स, ब्लशेस वगैरह लिए हैं, तो मेरा लिंक दैट वीडियो समवेयर है, तो डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। बट काम डाउन, बट आज का वीडियो सिर्फ लिपस्टिक्स को डेडिकेटेड है, क्योंकि मैंने बहुत सारी लिपस्टिक्स ली है पर्पल से और सारी लिपस्टिक्स 50% ऑफ में थी, वेदर इट बी लॉरियल, लैक्मे और ब्लू हेवन। तो मैंने सारी ब्रांड्स चेक किए हैं, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो एज यू नो, अभी पर्पल में काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। सारे वीडियो, सारे रिव्यूज एकदम ऑनेस्ट होने वाले हैं। सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद के पैसे से लिए हैं, जस्ट अ स्मॉल लिटिल डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज। तो आज का वीडियो आई एम सॉरी, तो पर्पल में बाय टू गेट टू था ब्लू हेवन में, एंड एज यू गाइज नो, ब्लू हेवन ऑलरेडी कितना ज्यादा चीप ब्रांड है, उसमें अगर आपको 50% ऑफ मिले तो फिर तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो आई हैव बॉट दीज टू लिप बाम्स। ये काफी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था एंड काफी अच्छे यूट्यूबर्स इसमें इसके बारे में बोल रहे थे कि हाउ गुड इट इज, एंड ये सिर्फ 85 रुपीज का था, तो ये मुझे 40% ऑफ में कितना पड़ा, लाइक 42-43 रुपीज का। तो आई हैव गॉट टू ऑफ दीज, दिस इज इन द वेरिएंट स्ट्रॉबेरी एंड दिस वन इज इन द वेरिएंट बबल गम। इसकी पैकेजिंग पूरी ईओएस जैसी है, आप इसको ऐसे ट्विस्ट करके ओपन करोगे एंड दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है एंड मॉइस्चराइजेशन काफ़ी लंबे तक रहता है इसका। नॉन पिगमेंटेड है, मुझे एक्चुअली मैं बस पिगमेंटेड लिप बम्स बहुत सारे थे बट नॉन पिगमेंटेड नहीं थे, तो आई हैड टू गेट। और ये यार 40 रुपये में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और अगर 85 की भी मिल रही है तो भी गाइज गो फॉर इट, इट इज़ दैट गुड। सो या, दिस इज द लिप बाम, लिप बाम, लिप बॉम्स। ऑल्सो मैंने इसको रिकमेंड किया अपने टॉप प्रोडक्ट्स अंडर ₹100 में, तो वो वाला वीडियो मैं यहाँ का ही लिंक कर दूंगी, डेफिनेटली वॉच दैट आउट। आपको ₹100 में काफी अच्छे रिकमेंडेशन मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स के। नेक्स्ट आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ लिपस्टिक्स, बस लिप बाम इतना ही था, अब लिपस्टिक्स की बारी है। दिस इज द मेबेलिन न्यूयॉर्क, आई थिंक उनका जो कुछ लव नोट वाला उनका कुछ कलेक्शन आया था उसकी है ये। ये भी 50% ऑफ में थी एंड दिस इज इन द शेड ब्राइट रोज 807। सो या, इसकी पैकेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत पसंद आई। दूसरा ये, दिस इज द शेड, दिस इज द मॉवी पिंक शेड एंड काफी प्यारा शेड है ये, मुझे बहुत ज्यादा इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है सोलमेट, दिस इज डेफिनेटली फ्रॉम देयर लव नोट कलेक्शन समथिंग। सो दिस इज द शेड ड्राइड रोज, काफी प्यारा शेड है, डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। एंड ये मुझे कुछ 250 रुपीज की पड़ी। नेक्स्ट आई गॉट द लॉरियल रूज सिग्नेचर लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है फॉर मी, अभी के लिए तो 650 रुपीज की पड़ती है, बट ये भी 50% ऑफ में थी, विच इज़ अमेजिंग। एंड गाइज, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं सबकी मैन्युफैक्चरिंग 2019 की है, एंड इफ यू डोंट माइंड दैट तभी लेना ये सब चीज़ें डिस्काउंट में, अदरवाइज इट्स गोन एक्सपायर इन वन ईयर, सो दैट इज सैड। सो दिस इज द लिपस्टिक, दिस वॉट द लिपस्टिक, इसकी पैकेजिंग काफ़ी क्लासी लगी मुझे एंड दिस इज इन द शेड आई डिसाइड। सो ये कुछ इसकी वॉन्ड कुछ इस तरह की है, काफ़ी डिफरेंट वॉन्ड है एंड इसका फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। दिस इज व्हाट द शेड, दिस इज अ वेरी लाइट लाइट पिंक एवरीडे काइंड ऑफ शेड। इसका फॉर्मूला काफी वॉटरी है, आई मीन इट डजंट फील एनीथिंग ऑन द लिप्स, तो काफी अच्छी लिपस्टिक है। देन आई हैव गॉट कॉम्बो ऑफ दीज लिपस्टिक्स, ये कुछ, ये दोनों मुझे 650 रुपीज की पड़ी। ये भी 650 का हाफ कितना होगा, 325 रुपीज की पड़ी, और ये 1300 रुपीज का था, बट ये मुझे 50% ऑफ में मिला। ऑल्सो मैंने ये नायका में भी देखा है ऐसा कॉम्बो, बट वहाँ पे 875 रुपीज का पड़ा था, बट यहाँ पे MRP
आई मीन वहाँ पे उसकी MRP 850 कुछ की थी, बट यहाँ पे इसकी MRP 1300 रुपीज़ है, तो मुझे कुछ ये वाली बात समझ नहीं आई. एनीवेज मुझे ये 650 का पड़ा दोनों कॉम्बो, विच इज़ अ ग्रेट डील फॉर दीज काइंड ऑफ लिपस्टिक्स. देन इसके अंदर ऐसे दो आती है एंड the शेड्स आर आई चूज 121 एंड आई रिप्रेजेंट 114. सो आई एम गोना शो यू, ऑफ कोर्स आई एम गोना शो यू. सो या ये भी अगेन आई एम मोस्टली इन टू मॉवी पिंक शेड्स, तो मुझे वही शेड्स पसंद आते हैं. आज फॉर अ चेंज मैंने काफ़ी डिफरेंट लाइक ब्राइट पिंक काइंड ऑफ शेड लगाया, तो अगेन एप्लीकेटर काफी डिफरेंट है इसका एंड दिस इज द शेड. सब आपको इसी रेंज में मिलेगी, एक दो डिफरेंट मिलेगी. या दिस इज द शेड, दिस इज अगेन अ वेरी प्रिटी मॉवी पिंक शेड, आई लाइक दिस वन. देन द सेकेंड शेड इज आई रिप्रेजेंट, दिस इज अ वेरी पिंकिश काइंड ऑफ शेड, तो ये काफी ज्यादा लाइक आउट देयर पिंक है. कहाँ पे करूँ, काफ़ी ज़्यादा आउट देयर पिंक है एंड काफ़ी प्रिटी है एक्चुअली ये शेड, गुड फॉर फेस्टिवल और इफ यू आर गोइंग आउट समथिंग, इट्स गुड. नेक्स्ट आई गॉट अगेन वन मोर मेबलिन लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड पिंक मैरे. एक्चुअली दो लिपस्टिक, सॉरी आई नो ये पर्पल हॉल है, बट मैंने ये वाले लिपस्टिक सिर्फ मिंत्रा से लिए, बिकॉज एक तो ये 50% ऑफ में थी, दूसरा इसके साथ ये चीज़ फ्री मिल रही थी. दिस वॉज फॉर समवेयर 600, ये 323 रुपीज़ की पड़ी और उसके साथ ये वाली लिपस्टिक फ्री थी, तो इट वॉज अ बॉम डील देयर. सो डेफिनेटली चेक आउट मिंत्रा इफ यू वांट टू बाय ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग, दे हैव समटाइम्स अमेजिंग डील. तो आई हैव गॉट दीज टू टुगेदर, बाय वन गेट वन जो भी बोल सकते, इट वॉज अ कॉम्बो. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आई थिंक. सो दिस इज द मेबेलिन सुपर स्टे इन क्रेयॉन इन द शेड, in the shade. Why can't I find the shade? Inspirational something था इसका शेड, या इट वॉज समथिंग आई इंस्पिरेशनल कुछ था ना, ये है स्टे एक्सेप्शनल. सो ये कुछ ऐसे खुलता है एंड ये ऐसे ट्विस्ट वाली है, ट्विस्ट करके आप लोग इसको ऊपर लगा सकते हो एंड दिस वॉट द शेड लुक्स लाइक. अगेन ये भी वही रेंज में है लाइक मॉवी. This is a little darker mauve pink shade. And अगर आपके थोड़े pigmented lips है तो थोड़ा और dark लगेगा उसमें. But this is a beautiful lipstick and मैंने मतलब इसकी काफ़ी hype सुनी थी and I totally agree with the hype. You can't feel कि आपने इसको wear किया and plus it lasts all day long. And even आप खाते हो तो ऐसा नहीं कि आपके beads से ऐसे चले जाएगी. It ये काफ़ी evenly अगर जाती है तो evenly जाती है तो काफ़ी ज़्यादा. आई मीन ऐसा फॉर्मूला मैंने क्रेयॉन में कभी नहीं देखा है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लिपस्टिक और आपको अगर इसको, मैंने बोल चुकी हूँ ये चीज़, अगर आप इसको लगाओगे भी तो आपको फील भी नहीं होगा कि आप इसको लगाए हो, दिस इज दैट गुड. देन जो मुझे इसके साथ फ्री मिली थी, दिस इज इन द शेड पिंक मैरेट फ्रॉम द मेबेलिन सेंसेशनल मैट समथिंग कलेक्शन एंड ये काफ़ी पिंक कलर है, काफी पिंक कलर है. पिंक मतलब ये पिंक और रेड के बीच का टोन है. सो या दिस इज दिस. देन आई हैव गॉट टू मेबेलिन का जो सबसे सस्ती वाली लिपस्टिक्स आती है, सबसे सस्ती लिक्विड लिपस्टिक्स आती है वो क्या डिस्क्रिप्शन देती हूँ ना मैं भी. तो या दीज आर देयर मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, ये भी 50% ऑफ में थी. मैं जो भी ली हूँ सारा 50% ऑफ में ली हूँ. या I'm cheap like that. So this is in the shade Sensationally Me. And ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया इनका फॉर्मूला, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, लाइट भी नहीं है. इट फील्स कि आपने कुछ लगाया हुआ है एंड इट डजेंट स्टेज, ये बीच से चले जाती है. बट इट्स फॉर 399 रुपीज और 50% ऑफ में अगर मैं ले रही हूँ तो 150 की पड़ी. इट्स गुड अगर वैसा देखा जाए तो, बट आई वुडन्ट बाय मोर शेड्स इन फ्रॉम दिस रेंज. देन द नेक्स्ट वन इज इजी बेरी. सो ये कुछ ऐसी है,
ये काफी लाइट पिंक शेड है, कहाँ पे मेरे हाथ में जगह नहीं बची है। सो या ये काफी लाइट पिंक काइंड ऑफ शेड है, गुड फॉर डेली वेयर, बट यू हैव टू कीप रिटचिंग इट बिकॉज आई नो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ सच लिक्विड फॉर्मूलास। नेक्स्ट वन वी हैव इज फ्रॉम द ब्लू हेवन, द मोस्ट अफोर्डेबल वन। आई मीन इसकी MRP 105 rupees है, बट ये मुझे 52 rupees की पड़ी, इफ वी से कि बाय वन गेट वन बाय टू गेट वन था जो भी था, बट ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ी मुझे। एंड इसका फॉर्मूला, ओ माई गॉड, आई एम वेयरिंग दिस शेड राइट नाउ एंड इट लुक्स ग्रेट। दूसरा, ये काफ़ी ज़्यादा वाटरी फॉर्मूला है, इट्स नॉट लाइक अदर लिक्विड लिपस्टिक्स की आपको फील हो, इट डजेंट फील पैची, इट डजेंट फील लाइक, इट इज़ वाटरी, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब, बट इट इज़ अ वेरी वाटरी फॉर्मूला। सो दिस इज दिस वन द शेड, दे डोंट हैव नेम्स, दैट्स वॉट आई डोंट लाइक अबाउट द ब्लू हेवन, दे नेवर हैव शेड्स शेड नेम्स, बट दे डू हैव नंबर, दिस इज इन द शेड 08 एंड आई लव दिस फार्मूला। 50 rupees में अगर आपको ये मिल रहा है तो गाइज ले लो, इवन 105 में मिल रहा है ना, आई वुड से कि ले लो, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। दिस इज अगेन इन द पिंक फैमिली, दिस इज अगेन इन द पिंक फैमिली, दिस इज द शेड 08 एंड द नेक्स्ट शेड आई हैव विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज 06, यू गाइज कैन सी, दिस इज अ वेरी प्रिटी शेड। नेक्स्ट आई हैव वन फ्रॉम लैक्मे, दिस इज फ्रॉम देयर 9 to 5 वेटलेस मैट मूस लिप एंड चिक कलर। अगेन ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये मैंने लिया रोज टच में, कुछ ऐसी पैकेजिंग है, पिंक है, लाइक ब्लश पिंक है, और यहाँ पे वही कलर कोडिंग है, दिस इज इन द शेड रोज टच। इसका एप्लीकेटर काफ़ी कुछ लॉरेल रूज सिग्नेचर जैसा है, थोड़ा बेंड है, फिगर स्किन सी या, तो ये शेड में कहाँ लगाऊँ, तो या दिस वॉज द शेड, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे सेंस क्या नाम है, सेंसेशनली नहीं जो भी था, मेबलिन की जो क्रेयॉन लिपस्टिक थी, सिमिलर शेड है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर शेड है उससे, अच्छी है, बट ये एक्सपायर्ड मिली मुझे, तो आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। थैंकफुली उनकी रिटर्न पॉलिसी है कॉस्मेटिक्स में भी, तो आई एम गोना रिटर्न दिस डेफिनेटली, ऑब्वियसली नो अदर चॉइस। एक और लिपस्टिक है, लास्ट है, एंड इफ यू गाइज आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ वाइल, यू गाइज नो हाउ मच आई लव देयर द वेट एंड वाइल्ड मेगालास्ट लिपस्टिक्स, दे आर अमेजिंग फॉर द प्राइस। अगेन ये 275 की थी और मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ी, लाइक 150 समथिंग, तो ये मैंने लिया, एंड दिस इज इन द शेड सिनेमन स्पाइस, वाओ क्या जगह है इसको, सारे शेड सेम ही लग रहे हैं लगभग, सो या दिस इज अ लिटिल डार्कर ब्राउनिश मैरूनिश काइंड ऑफ शेड, सो या दिस इज द शेड, ये अगेन बहुत अच्छी है, इफ यू वॉन्ट समथिंग अफोर्डेबल डेफिनेटली गो फॉर द ब्लू हेवन लिक्विड लिपस्टिक्स और दीज वन, दीज आर ग्रेट ऑल्सो, इफ यू वाना गो अ लिटल हायर, इट्स नॉट दैट हाई, बट आई लव दिस फार्मूला, आई लिटरली लव दिस फार्मूला, सो डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो या दैट वॉज माई ह्यूज लिपस्टिक हॉल, आई गॉट अ लॉट ऑफ लिपस्टिक्स, बट राइट नाउ वेन आई वॉच ऑल दिस नाउ आई एम अ लिटल सैड, क्योंकि सब एक ही कलर फैमिली में, बट आई लाइक दिस काइंड ऑफ कलर फैमिली, सो या that was it for today's video. If you guys want more such honest reviews or videos or haul or anything, definitely subscribe my channel and hit that like button, also wo jo hai bell hai usko bhi bilkul press karna, nahi to aapko notifications nahi aayenge, youtube ki policy you all know nahi aayega aapko notification, so definitely wo bell button bhi click karna, and I'm gonna see you next time, till then bye bye.